दिखाई दे रहा? इसको दिखाई दे रही है डॉक्टर सर। जी? थैंक हाँ यू। सर दे रहे। हाँ, तो जैसे कि श्रवण सिंह जी डॉक्टर साहब बता रहे थे, पहले मैं अपने लेक्चर शुरू होने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे DFO साहब विजय बुराना साहब, हेमचंद जी गहलोत साहब डायरेक्टर, और ज्ञान प्रकाश जी VO माचे बायोलॉजिकल पार्क का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और साथ ही श्रवण सिंह जी राठौर साहब का भी मैं थैंक्स दूंगा कि हम लोगों ने साथ मिल के ये रेस्क्यू सेंटर में काम किया है। और मैं वेलकम करूंगा हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी, जो अपना समय निकाल कर यहाँ मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा जो फोकस स्पीसीज चिंकारा है, और चिंकारा में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है इसकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये शेड्यूल 1 एनिमल है, और शेड्यूल 1 एनिमल वैसे ही एंडेंजर्ड है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे इस एरिया राजस्थान के अंदर, जो अपने अभी श्रवण सिंह जी के डाटा अपने देखे थे कि हंड्रेड्स के अंदर केसेस आ रहे हैं। DFO साहब भी अभी बता रहे थे अपने स्पीच के अंदर कि डॉग बाइट के बहुत केस अभी बारिश के सीजन में आ रहे हैं। तो अब हमें किस तरह से मोर्टिलिटी को रोकना है, उसके ऊपर मैं आज का ये लेक्चर में डिस्कस करना चाहूँगा। ये लेक्चर एक तो वेटेरियंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये हमने ईयर्स जो काम किया है रेस्क्यू सेंटर के अंदर, वहाँ हमने ये डेवलप किए थे प्रोटोकॉल्स, और हमारे जो रेस्क्यू टीम जो जाती है उनके लिए भी मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। साथ ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी पता चले कि चिंकारा के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी बिहेवियर और उसकी स्टडी करते हैं। तो जैसे कि श्रवण सिंह जी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आ रहा है वो डॉग बाइट का निकल के आया है हमारे इस एरिया के अंदर, और डॉग बाइट की वजह से मोर्टिलिटी रेट आप उसमें देखिए, सर्वाइवल रेट सर ने बताई थी 27% के आसपास एवरेज चल रही थी उसके अंदर। यानी कहने का मतलब ये है कि 100 केसेस में से करीब 25 ही सर्वाइव करते हैं, 75 की मोर्टिलिटी हो जाती है। हालांकि वाइल्ड लाइफ केसेस के अंदर ये जो डाटा है ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। एवरेज अगर आप वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रेस्क्यू के आप डाटा देखो ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो 15% 70% पे वेरी करते हैं, जबकि इस रेस्क्यू सेंटर के डाटा जो है वो 27, 26 और इवन 30 तक गए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। एक तो मैं ये पॉइंट कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छे डाटा है, और हमें इसको अगर इसको मेंटेन भी कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर अगर हम डिस्कस करें और काम करें तो इस स्पीसीज को अपन और बचा सकते हैं, इस जो मोर्टिलिटी रेट है उसको कम कर सकते हैं, सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ये 5-10 मिनट के अंदर। तो पहले हमने ये देखा इसमें डॉग बाइट के केस ज़्यादा हैं, उसके बाद एक्सीडेंट का नंबर आ रहा है, सॉरी फेंसिंग के नंबर आ रहा है, 15% केसेज जो अपने आए हैं अपने अब तक के ये फेंसिंग की वजह से आ रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, जैसे डॉक्टर साहब ने इसको सब डिस्कस कर लिया है। मैं इसके पीछे जो रीज़न है चिंकारा की मोर्टिलिटी का उसको सिर्फ डिस्कस करूंगा साइंटिफिकली। कैप्चर मायोपैथी के बारे में आपने सुना होगा, इट इज ए नॉन इन्फेक्शियस मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल। यानी कि कैप्चर मायोपैथी एक ऐसी कंडीशन है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि वाइल्ड एनिमल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा ससेप्टिबल है, और स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स के अंदर हर्बीवोर्स आर मच मोर ससेप्टिबल, और हर्बीवोर्स के अंदर भी चिंकारा आर वेरी मच ससेप्टिबल। इसलिए आज इस मेरे को लग रहा है ये टॉपिक यहाँ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो भी वाइल्ड लाइफ लवर्स जो भी बैठे हैं और साइंटिस्ट बैठे हैं उनके लिए, कैप्चर मायोपैथी के ऊपर, है ना। तो उसकी अगर हम थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करें, इसको समझें कि इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी को, तो आप देखिए इसके 3 प्राइमरी कंपोनेंट हैं। एक तो है परसेप्शन ऑफ फियर। परसेप्शन ऑफ फियर अपन समझ सकते हैं कि वो एक प्रे एनिमल है। हमारे वाइल्ड लाइफ के अंदर कहा जाता है कि किसी भी वाइल्ड एनिमल की आपको स्टडी करनी है तो आप क्या कीजिए, अपने आप को उस वाइल्ड एनिमल की तरह सोचिए, है ना। आपकी इकोलॉजी के अंदर और ये सब अपन इसको समझते हैं। तो अगर हम अपने आप को चिंकारा समझ के समझें कि अपन एक प्रे हैं, और अपने पीछे जैसे सर बता रहे थे अपने पिक्चर के अंदर कि किस तरह से उसको डॉग चेस कर रहे हैं, तो ये जो परसेप्शन ऑफ फियर है ये सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है। और अभी तो सीजन चल रहा है बारिश का, तो अभी ये बहुत केस आने वाले हैं। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब कितने केस आ रहे होंगे। उस हमारे जमाने में जब मैं 2012-13 के अंदर था तो 30-40 हमारे केस कितने जमाने में भीड़ थी क्या? आ रहे हैं, हमारे जमाने में कितने केस आ रहे हैं डॉक्टर साहब? मतलब उस वक्त 30-40 केस पर डे आते थे, 30-40 केसेस, है ना। तो उन सबके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती थी, ये परसेप्शन ऑफ फियर होता था।
परसेप्शन ऑफ फियर कैसा? हेलो हाँ सर, डॉक्टर ज्ञान बोल रहा हूँ सर। अभी जो है ना, लास्ट 2 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर, अभी केसेस है ना काफी कम हो गए। ओके, वेरी गुड। मतलब या तो पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है, तो ताकि उनका है ना हो सकता है, या फिर है ना अपना जो रेस्क्यू सेंटर जो दूसरे बन गए हैं वहां पर भी केसेस जाने लग गए। तो ये जो है ना, ये जो दूसरी जगह पे केसेस जाने लग गए वहां पर, इसकी वजह से अपने जोधपुर के अंदर अभी है ना काफी कम केसेस आ रहे हैं। लगभग अभी जैसे बरसात का सीजन स्टार्ट हुआ है, तो अभी तीन चार ऐसे करके इस तरीके से अभी रेगुलरली आ रहे हैं रोज। क्योंकि देखो, 3-4 भी मायने रखता है हमारे शेड्यूल 1 एनिमल के लिए, तो भाई अब मानते हैं सर बिल्कुल है ना, ये 3-4 भी अपने लिए अपन। तो अभी उस वक्त 30-40 केसेस आते थे, जैसे भी डॉक्टर बता रहे थे कि अब रेस्क्यू सेंटर अलग अलग सेंटर्स में खोल दिया गया है। मैं ये मुझे ध्यान है, उस वक्त बात चल रही थी और CCF साहब भारद्वाज साहब थे उस वक्त, बड़ा वो मतलब पेन लेते थे हर मैटर के ऊपर वाइल्ड लाइफ में, आप सभी जानते हैं उनको। तो हम लोगों ने उनके साथ काम किया था, तो हमने ये देखा कि एक तो परसेप्शन ऑफ फियर जो एनिमल्स के अंदर होता है, दूसरा इसके साथ साथ सिंपैथेटिक नर्वस और एड्रेनल सिस्टम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। नेचुरली जब फियर होगा तो एड्रेनल सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है मस्कुलर एक्टिविटी, उसको भागना है, तो मस्कुलर एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों को आप देखें तो ये मैंने इसको जो पैथोफिजियोलॉजी को मैंने समझाने की कोशिश की है, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ पाए कि इस एनिमल के साथ क्या हो रहा है उस पीरियड के अंदर, जो डॉग बाइट होने से लेके और रेस्क्यू सेंटर में लाने तक उसके ट्रीटमेंट के अंदर, ये दो चार दिन के अंदर जो मैकेनिज्म जो हो रहा होता है ना, वो ये इस तरह का होता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये हो रहा है कि मसल टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो जो होता है वो एल्टर्ड हो जाता है, बस यही एक रीजन है, क्योंकि जल्दी से भागना होता है, तो उससे क्या होगा कि एग्जॉशन ऑफ ATP, अब ATP मसल सेल्स को नहीं मिलेगी, तो उसमें आप देखिए ये ब्लू कलर के मैंने 3 रीजन हो जाते हैं। अगर ATP मसल सेल्स को नहीं मिल रही है तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो कम हो जाएगी मसल सेल्स को, और ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो गई तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाने से क्या होता है कि इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि सेलुलर वेस्ट जो होता है उसका रिमूवल नहीं हो पाता है मसल सेल से, ठीक है। तो अब इन तीनों के फैक्टर की वजह से आप देखिए डैमेज मसल सेल्स अंडरगो नेक्रोसिस, बस उससे क्या होगा कि ये मसल सेल्स डैमेज हो जाती है और मायोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम दिस सेल्स, और एक बार मायोग्लोबिन रिलीज हो गया मसल सेल्स से तो वो मायोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, और यही जो मायोग्लोबिन है ना ये किडनी को डैमेज करता है और ये नेक्रोसिस हो जाती है, साथ साथ कार्डियक टिश्यू को भी ये डैमेज करता है। तो ये शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बताया पैथोफिजियोलॉजी जो कैप्चर मायोपैथी की है, ठीक है। हमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है। तो डॉक्टर साहब, जो भी वेटनेरियंस हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पोस्टमार्टम करते हैं तो कैप्चर मायोपैथी को कैसे डायग्नोसिस करोगे आप, तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप बिल्कुल ईजी वे के अंदर इसको डायग्नोसिस करते हैं। ये एक डियर का यूरिनरी ब्लैडर है, तो आप यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चूंकि मायोग्लोबिन आया था ब्लड के अंदर, उस वजह से ये यूरिन में भी आ जाता है, और ये जो ब्राउन कलर का यूरिन आपको ब्लैडर के अंदर दिखाई देगा। पहला पॉइंट, जब भी पोस्टमार्टम करो अगर ब्लैडर के अंदर ब्राउन कलर का यूरिन अगर मिल रहा है तो ये एक कॉज हो सकता है कि द एनिमल डाइड ड्यू टू द कैप्चर मायोपैथी, ठीक है। दूसरा, आप देखिए ये एक डियर का कैप्चर मायोपैथी से जो डेथ हुई थी, एडेप्टर मसल्स हाइंडिंग की मसल्स है, आप क्या इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो क्या दो मसल्स को, एक जो आपके एक्सट्रीम आपकी राइट साइड के अंदर जो दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का जो बड़ा पार्ट है और एक पेल कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लियर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? तो ये जो पेल कलर का मसल्स का जो पार्ट है ना, ये ड्यू टू द मायोग्लोबिन रिलीज हो गया है, उस वजह से ये पेल हो गया। ये एक डायग्नोस्टिक फीचर्स है कैप्चर मायोपैथी के अंदर। तो मसल्स का भी आप सेक्शन कट करके दे सकते हैं, जो डार्क कलर का जो ब्राउन है वो नेचुरल कलर है, और जो पेल कलर का दिखाई दे रहा है ना वो कैप्चर मायोपैथी की वजह से मायोग्लोबिन निकल गया है। तो ये एक डायग्नोस्टिक पॉइंट रहेगा पोस्टमार्टम के अंदर, ये वेटरनरियंस के लिए है जो भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और ये भी एक मैंने बुक से डायग्राम लिया है जिसमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है डार्क ब्राउन कलर और लाइट जो पेल कलर का जो मसल्स टिश्यू है, ग्लूटियस मसल्स है जो हैंडलिंग की मसल्स होती है उसके अंदर पोस्टमार्टम लीजन के अंदर। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आप नोटिस कर लो, हैंडलिंग के अंदर
ये देखिए, ये डियर की जब स्किन को आप इंसाइज करोगे पोस्टमार्टम के अंदर, अगर वो कैप्चर मायोपैथी से उसकी डेथ हुई है, तो आपको सबक्यूटेनियस हेमरेजेस दिखाई देंगे। ये जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको सबक्यूटेनियस हेमरेजेस, ये क्लियर कट ब्लैक कलर के आपको दिखाई देंगे। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डार्क कलर का यूरिन है, अगर मसल्स में कुछ क्लियर पार्ट दिखाई दे रहा है और ये सब क्यूटेनियस हेमरेजेस है, तो आप कंफर्मली कह सकते हैं कि दिस एनिमल डाइट ड्यू टू द कैप्चर मायोपैथी। ओके, सवाल ये है कि अब देखो मैं फील्ड की बात करता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वन्य जीव प्रेमी हमारे आसपास के अंदर एरिया के अंदर, क्योंकि हमारे वाइल्ड लाइफ जो होते हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे जो हैबिटेट ऐसा है हमारा राजस्थान का कि वहाँ पे चिंकारा रहते हैं, डॉग बाइट वो देखते हैं, वो लेके भी आते हैं हमारे रेस्क्यू सेंटर के अंदर। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू ये हो जाती है कि पहला उनको ये नॉलेज नहीं है कि ये जो स्पीसीज है चिंकारा, दिस इज एंटायरली डिफरेंट नेचर, वो एक प्रे एनिमल है, एवरी अदर पर्सन और एनिमल इज ए प्रेडेटर फॉर हिम, वो एज ए प्रेडेटर आप देखता है अपने आप को, तो आप उसको पकड़ के जब लेके आ रहे होते हो, अच्छा नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, आप तेज गति से गाड़ी को लेके आते हैं, जल्दी रेस्क्यू सेंटर पहुंचो, डॉक्टर साहब को इलाज करवाना है, वो जो स्पीड है वो कैप्चर मायोपैथी को ट्रिगर कर देता है। जो बुक्स कहती है कैप्चर मायोपैथी की, वो ये कहती है कि किसी भी एनिमल को 3 मिनट से ज्यादा अगर आप पकड़ के रख लेते हो तो उसके अंदर ये ट्रिगर शुरू हो जाता है, जो बता रहा था एड्रेनल ग्लैंड का जो सिस्टम है उसमें वो ट्रिगर मेटाबॉलिक शुरू हो जाता है कैप्चर मायोपैथी का। अब आप देखिए कि कहाँ वो उसको पकड़ के हम बैठे हैं गाड़ी में, उसको लेके आ रहे हैं, झटके लग रहे हैं उसको, है ना, और रेस्क्यू सेंटर लेके आ रहे हैं, तो सारा काम जो है वो उसमें कैप्चर मायोपैथी हो ही जाती है। डॉक्टर साहब आप भी उसमें देखिएगा केसेस के अंदर, जो भी फॉरेस्ट वाले देख रहे हैं, रेस्क्यू टीम वाले जो भी इसको देख रहे हैं, आप एनिमल को देखना उसके पिछले वाले पाँव के अंदर ऐसे शिवरिंग से नजर आती है एनिमल के अंदर, सच घबराया हुआ होता है वो। तो इस कंडीशन के अंदर कैप्चर मायोपैथी के अंदर जब भी किसी एनिमल की डेथ होती है, बहुत प्योर सेंसिटिविटी है, जब भी एनिमल की डेथ होती है या तो कुछ घंटे में हो जाएगी या कुछ दिनों में हो जाएगी या कुछ सप्ताह में होगी या महीने में होगी, 3-3 महीने तक के बाद भी कैप्चर मायोपैथी से एनिमल की डेथ हुई है। अब यहाँ पे वन्य जीव प्रेमी आके पूछता है, डॉक्टर साहब कल तक तो वो ठीक था अब कैसे मर गया? डीओ को साहब भी पूछेंगे, डॉक्टर साहब यार वो 7 दिन हो गए तब तो ठीक था अब कैसे मर गया? लेकिन हम उसको समझा नहीं पाते हैं कि ये कैप्चर मायोपैथी की वजह से ये सारा रीजन है। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैप्चर मायोपैथी चिंकारा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेंसिटिव पार्ट है, और अब उसको प्रिकॉशन और उसका ट्रीटमेंट की तरफ थोड़ा सा अपन को फॉलो करें तो हम इस एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचा सकते हैं। तो एक तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये श्रवण सिंह जी डॉक्टर साहब और आपने मिलकर बनाया था कि जैसे ही आपके एनिमल आपके रेस्क्यू सेंटर में आता है तो आपको थेरेपी देनी है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज। हाँ, तो मैं ट्रीटमेंट की बात को डिस्कस कर रहा था कि जैसे एनिमल आपके रेस्क्यू सेंटर में आता है उसको थेरेपी देनी है, और फूड थेरेपी के अंदर 5% 25 ml के लिए है, सोडा बाइक आपको इंजेक्शन साथ में लगाना है, एनर्जी से लगाते ही मसल रिलैक्सेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो है विटामिन डी और सेलेनियम का। ये हम लोग हमारे किट में रहता था पहले, रिप्रोनॉल के नाम से आता है। म्यूट कर लीजिए अपने आपको, जो भी ये डिस्टर्बेंस मिल रहा है ये केवल डॉक्टर साहब को, केवल डॉक्टर साहब को बोलना है, बाकी हेलो। हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ आ रही है, क्योंकि ये पॉइंट तो मैं बिल्कुल ही उसको मिस नहीं करना चाहूंगा इस सेशन के अंदर चिंकारा के लिए, कि ये जो रिप्रोनॉल का इंजेक्शन है विटामिन ई सेलेनियम का, डॉक्टर साहब ये जरूर मंगा के रखना, ये एंटी स्ट्रेस इंजेक्शन है और कैप्चर मायोपैथी के अंदर ये काम करता है थोड़ा बहुत, है ना। तो इसकी जो डोज है ये थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा, 1.5 ml सब क्यूटिनस लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर आईवी नहीं लगता ये, तो डॉक्टर साहब इसको जरूर आप इसको अपने ट्रीटमेंट के अंदर यूज कीजिएगा। और साथ ही साथ एक मिनट,
ये सोडा बाइकार्बोनेट ये तो कॉमन है, कोई खास बात नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनके लिए, अगर कुछ पॉइंट्स को वो फॉलो करें तो हम ये जो हमारी इसकी जो किंकरा की सक्सेस रेट है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ट्रांसपोर्ट मस्ट बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द स्पीसीज इंडिविजुअल। जो तो भारद्वाज साहब ने इसका बहुत ही अच्छा तोड़ निकाल दिया था। उन्होंने कहा पहले क्या होता था कि देचू के अंदर कोई डॉग बाइट का केस है, फलोदी के अंदर डॉग बाइट का केस है, और जोधपुर से गाड़ी जाती थी है ना, तो हमारे बजट का भी बड़ी इश्यू रहता था, कितना पेट्रोल हमारा हम खर्च करते थे, और एनिमल को लेके आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो वो मरना ही मरना है हमारे इस रेस्क्यू सेंटर में आते आते। तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि अब जिस एरिया का एनिमल है हमको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एज ब्रीफ एज पॉसिबल करना है। तो अभी जैसे हमने बता रहे थे कि अलग अलग सेंटर्स के अंदर रेस्क्यू सेंटर बन गए हैं और सक्सेसफुली चल रहे हैं, उन डॉक्टर साहब ने वहाँ ट्रेनिंग भी दे रखी है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे इस चिंकारा के लिए, ये जो अंगुलेट फैमिलीज के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे ऑफिसर्स का, फॉरेस्ट के और हमारे सरवण सिंह जी का, कि इतना बढ़िया व्यवस्था की है। ये ट्रांसपोर्टेशन का ये डिसीजन जो है ना, इससे सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ी है। तो ये मिनिमम होना चाहिए, व्हीकल स्पीड शुड नॉट बी 25, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हमारे जो जो वाइल्ड लाइफ लवर जो है ना वो क्या करते हैं गाड़ी तेजी से दौड़ाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे अपने मेडिकल में नहीं होता है कि हॉस्पिटल लेकर जाओ फटाक से, लेकिन एनिमल इसके साथ ये वो अपन उल्टा कर रहा है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है एक्सीडेंट हो गया, बार वायर जो भी हो गया, लेकिन उसको भागने से हम उसको और पैनिक कर रहे हैं। ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड की बात आई थी, डॉक्टर साहब ने बताया था ब्लाइंड फोल्ड हम यूज कर रहे हैं, कॉटन प्लग और अपन को डालना चाहती है, आवाज भी कम से कम स्पीसीज को मिले। एक और है एक्सटर्नल रिकम्बेंसी भी होनी चाहिए, ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एनिमल को जब लाए ना तो ये एक रूमिनेंट्स भी है, तो उसको बैठा के लेके आना चाहिए एक्सटर्नल रिकम्बेंसी, ना कि ऐसे सुलाते हुए लेके आए पूरे रास्ते के अंदर, तो उसको सांस की तकलीफ हो जाती है, एस्फिक्सिया से मर जाएगा वो एनिमल। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और मैं जो हमारे ये रेस्क्यू टीम जो है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अभी मैंने देखा था कि वो बोरे के अंदर बंद था, वो बहुत अच्छा ये टेक्निक है, वो भी उसमें पाँव नहीं चला पाता है क्योंकि खुर से अपने को लग जाएगी। उसमें क्या करना चाहिए कि आगे वाले टांगे और पीछे वाले टांगे को सेपरेटली बांधने चाहिए। जनरली क्या होता है कि हमारे जो एनिमल्स होता है ना, जो उनको हम आगे और पीछे वाले टांगों को दोनों साथ बांधते हैं, जैसे काऊ और बफेलो के अंदर करते हैं जो हमारे ये फार्मर्स रखते हैं। तो उसी कंडीशन के अंदर जब चिंकारा को जब उनको हैंडलिंग करनी होती है तो वो भी क्या आगे पीछे वाले टांगों को बांध देते हैं, वो एनिमल सांस नहीं ले पाता। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप टांगे बांधे ना तो हमेशा आगे की टांगों को साथ बांधे, पीछे वाली टांगों को साथ बांधे, और उसके बाद बोरे में रख के और मुंह बाहर रहना चाहिए और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करें, ये बहुत अच्छी टेक्निक रहेगी। तो ये चार पांच बातें अगर हम इसको फॉलो करें तो भी हम कैप्चर मायोपैथी को कम कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो बताया है, सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन इमिडिएटली, जो फ्लूड थेरेपी है, विटामिन ई के इंजेक्शन देने हैं डॉक्टर साहब, अगर ये हम रेस्क्यू सेंटर में थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें तो डेफिनेटली जो सीडी वन एनिमल है जिसको हम सब ये इस पर आज डिस्कस करने वाले हैं, पूरा माचे बायोलॉजिकल पार्क आज सप्तवर तक इसको डिस्कस कर रहा है सीजेडए मिलके, तो हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस एनिमल को बचाने के लिए। कंक्लूजन में लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो प्रिवेंशन का जो की है वो है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्पीसीज। इस स्पीसीज के हमें इसके बिहेवियर और फिजियोलॉजी को समझना है कि कैप्चर मायोपैथी सबसे ज़्यादा इस चिंकारा के अंदर होती है, तो उसके ये सब बातों का जो मैंने डिस्कस किए उनको प्रोटोकॉल को हम ध्यान में रखें। और ये न्यूज़पेपर में भी देते रहें बार बार, ये लोगों को भी बताएं वहाँ पे कि भाई इस चीज़ ये सब बातें ज़रूरी है इस तरह से इसको बचाने के लिए। दूसरी बात कि हमें ग्रेट प्लानिंग की ज़रूरत होगी प्रिसीजन की, मतलब जब भी हम कोई एनिमल को रेस्क्यू करने जाएँ, आज का जो टॉपिक वेबिनार रेस्क्यू के ऊपर ही है ना, तो जब भी हम जाएँ पहले प्लानिंग करके जाएं, डीएफओ साहब से डिस्कस कर लें, रेंजर साहब डिस्कस कर लें, वेटनेरियन टीम रेस्क्यू टीम आपस में डिस्कस कर लें, फार्मर से डिस्कस कर लें, अरे भाई इसको कहाँ लेके जाना है। ऐसा नहीं हो कि आप एनिमल गाड़ी में लेके आ गए और फिर रेंजर साहब को फोन कर रहे हैं इसको कहाँ लेके जाएं, तो एनिमल सफर करेगा है ना। इसलिए मैं तीसरा पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ कि द वेलफेयर ऑफ द एनिमल मस्ट ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एनिमल का वेलफेयर होना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो इसके बाद साथ ही मैं अपनी ये कंक्लूजन जो मेरा वेबिनार है इसमें ख़त्म करता हूँ। रेस्क्यू के ऊपर, कैप्चर मायोपैथी के ऊपर मैं बताना चाह रहा था, चिंकारा हमारा शेड्यूल वन एनिमल है, हमें इसके लिए इस बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी जो सक्सेस रेट है मोर्टिलिटी को कम कर सकते हैं, सक्सेस रेट सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो भी, अगर कोई पूछना चाहे।
थैंक यू डॉक्टर हेमंत जोशी एंड डॉक्टर श्रवण सिंह राठौर साहब, थैंक यू डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी. इज फर्स्ट सेशन दैट द रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन. जैसा कि आप सबको बताया कि किस रूप से इन्होंने अपनी सारी बात और इनके जो फील्ड के एक्सपीरियंसेस हैं वो डॉक्टर श्रवण सिंह ने शेयर किए, और उसके बाद में लेटर ऑन किस रूप से डॉक्टर हेमंत जोशी ने वर्तमान के जो सिनेरियो है, इन्होंने जब फील्ड में काम किया तो उस समय ये जो जानकारी प्राप्त हुई किस रूप से कैप्चर मायोपैथी के बारे में जो बहुत सारी डिटेल से चर्चा हुई, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ मेरी तरफ से सारे स्पीकर्स का. और आपके अगर किसी के क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड तो कृपया आपको चैट बॉक्स में लिख के डाल दें, और नेक्स्ट सेशन में फीडबैक जो फॉर्म है आपको सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप उसमें अगर भी लिख सकते हैं. और अगला जो सेशन होगा वो हमारा शार्प 10 बजे से स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे. थैंक यू.